सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूपिणौ बोला गया। जिस पत्नी का विश्वास अपने पति के प्रति और श्रद्धा अपने पति के प्रति हो और पति का विश्वास पत्नी जीत ले, आप ये समझ लीजिए वो साक्षात महादेव और पार्वती का ही जुड़ा होगा, से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। स्त्री को चाहिए कि वो अपने धर्म का निर्वाह करे, और अब उसका धर्म है उसका पति, उसका कुल, उसका घर। स्त्री का सबसे पहला धर्म अगर कुछ है तो उसका परिवार है। प्रत्येक स्त्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसका घर कैसे अच्छा हो। और अच्छा क्या होता है? अच्छा मतलब सुख। सुख क्या होता है? सुख मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छा तालमेल। छोटी सी बात आपसे कहूं, स्त्री को चाहिए कि घर में छोटी छोटी घटनाओं को शाम कर जब श्रीमान जी घर आ रहे हैं तब उनसे नहीं कहना चाहिए। और अक्सर यह होता है कि शाम को जब श्रीमान जी घर आते हैं तो चाय के साथ नाश्ते में दिन भर की कहानियां परोस दी जाती हैं, दिन भर की। एक व्यक्ति बाहरी दुनिया से आया है, उसने तमाम अपने ऊंच नीच, तमाम सारी समस्याएं रहती हैं जीवन में, और उन सब के बावजूद आप उनसे जो चर्चा कर रहे हो वो चर्चा कितनी कीमती है ये आपको भी नहीं मालूम। अर्थात उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिन चर्चाओं को आप आज कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं आपकी कोई अपेक्षा थी, वो नहीं काम हो पाया, आपकी अपेक्षा बन गई, कल वो काम हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो जो चीज अच्छी हो जाने वाली है या जिनके कोई जीवन में घटना का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, आप उनको डिस्कस क्यों कर रहे हो? ठीक उसी तरह पुरुष को चाहिए, बाहर वो जो काम कर आ रहा है, चाहे वो दुकान करके आ रहा है, नौकरी करके आ रहा है, जो भी, वो वहीं छोड़कर आए, अपनी दुकान, अपना व्यापार घर लेकर ना आए, घर को अपने 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 पत्नी, बच्चों, माता पिता के साथ जिए। और जब जब पुरुष और स्त्री ये गलतियां करेंगे उनके घर टूटेंगे, दूरी बढ़ेगी। महादेव से सीखना है पुरुष कैसा हो, पार्वती जी से सीखना है स्त्री कैसी हो। महादेव कहते हैं, महादेव का दर्शन देखिए, गले में विष रोक लिया है। इसका एक दूसरा तात्पर्य है कि उनके हृदय में राम जी रहते हैं, पर हम और आप अपने मतलब की बात करते हैं। पुरुष को चाहिए कि सारे विषों को रोक ले, हृदय तक ना जाने दे। और जीवन में जिसने ये कर लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। भगवान शिव के ऊपर ऊपर सर पर आप देखिए जटाएं हैं, और जटाओं मर गंगा जी हैं, और शीतल चंद्रमा उनके मुखारविंद पर है, भाल पर है। इन दोनों दृश्यों को अगर समझने का प्रयास करें तो पुरुष को ऐसा ही होना चाहिए। पुरुष जिस दिन भगवान शिव के चरित्र को जीवन में ढालने का प्रयास करेगा, उस पुरुष की परिवार समेत पूजा होगी। स्त्री जिस दिन इस कार्य को करेगी उस स्त्री की परिवार समेत पूजा होगी। और जो स्त्री और पुरुष इस जीवन को इस तरीके से जिएंगे, उनके बच्चे पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय और धर्म रूपी गणेश होंगे। आपके अनुसार आपकी संतति, आपके अनुसार आपके बच्चे, आपके अनुसार आपके आपके घर में पूरा प्रभाव चल रहा है।
अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी छोटी बातें करने से किसी के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा तो साफ हो सकता है पड़ जाए, लेकिन टूट के जाओगे कहां? टूट के जाओगे कहां? और तुम्हारी एक जगह नहीं बनी तो ध्यान रखना तुम्हारी कहीं भी नहीं बनेगी। और जिसको बनाना आता है वो दुश्मनों में बैठकर भी बना लेता है।